और गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लिहाजा पर्चा दाखिल करने से पहले रवि किशन ने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया। रवि किशन की नामांकन जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी की जनसभा को संबोधित करने का शेड्यूल है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 7वें चरण में चुनाव होना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रवि किशन देखिए अपनी पत्नी के साथ में पूजा अर्चना करते हुए और आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे गोरखपुर से रवि किशन, और मौजूदा यहां से सांसद भी है। ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं, लगातार 5 बार यहां से सांसद रहे और अब यहां से रवि किशन चुनाव लड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे, रवि किशन के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, साथ ही रवि किशन भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। गोरखपुर एक ऐसी खास सीट है जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते रहे हैं और लगातार 5 बार सांसद भी रहे, तो कितना बजे आज नॉमिनेशन फाइल होना है और क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर सीट की बात करें तो यह परंपरागत गोरखपीठ की सीट रही है और इस पे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं इनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और उसके बाद फिर उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज इस सीट से सांसद रहे हैं और उसके बाद से लगातार 1996 के बाद से लगातार गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 2017 तक इस सीट पर एज अ सांसद वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से यहाँ पर रवि किशन शुक्ला आए और वो 5 साल सांसद रहे और 24 में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज 11 बजे यहाँ पे नामांकन होगा, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट परिसर में ही खड़ा हूँ और आप देखिए यहीं पे आएंगे और यहाँ पे रवि किशन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सिर्फ रवि किशन ही नहीं, आज चूंकि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके सभी प्रत्याशी आज ही के दिन नामांकन दाखिल करेंगे, चूँकि आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है तो इसलिए गोरखपुर सदर से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ला, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद, इसी तरीके से जो बांसगांव लोकसभा सीट है वहां से भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान और वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद, ये चारों लोग आज ही के दिन नामांकन करेंगे। पहला जो नामांकन का शेड्यूल दिया गया है वो शेड्यूल रवि किशन शुक्ला के द्वारा है। रवि किशन शुक्ला यहाँ आएंगे अपना, तो ये तैयारियां आप देख सकते हैं, मंच सजकर तैयार हो चुका है और आज इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे।